नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम क्रैकर में। आज जैसे हम लोग का आप लोग सीरीज़ चल रहा है आप लोग का जो जीके करंट अफेयर्स क्विज़ का, तो ये जो क्विज़ है आप लोग का 23 नवंबर का है, जो आप लोग का 24 नवंबर को आप लोग मतलब एक दिन बाद जो आता रहता है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, इंडिया यूएई का एक स्ट्रेटेजिक कॉन्क्लेव हुआ है आप लोग का, एक एक मतलब एक मीटिंग टाइप से हुआ है। तो आप लोग का ये जो इंडिया यूएई का हुआ है ये कहाँ हुआ है? ऑप्शन आप लोग के सामने है, मुंबई, हैदराबाद या दुबई या अबू धाबी। तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा अबू धाबी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अबू धाबी में जो है आप लोग का इंडिया यूएई स्ट्रेटेजिक कॉन्क्लेव हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड मिलता है आप लोग का, उसमें आप लोग का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है, किसको मिला हुआ है? ऑप्शन ऑप्शन आप लोग के सामने, अनिल अंबानी, नटराजन चंद्रशेखरन, या फिर कल्याण कृष्णमूर्ति, या फिर अजीम प्रेम जी। सही आंसर आप लोग का हो जाएगा अजीम प्रेम जी, जो कि आप लोग के विप्रो के हैं। तो आप लोग के अजीम प्रेम जी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा फॉर व्हाट? फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2018। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स। कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हुए हैं? 65 प्रोजेक्ट्स हुए हैं और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं ये पूछा गया है, जिसमें फाउंडेशन स्टोन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये आप लोग का जो ऑप्शन है सामने, 120, 109, 129 या फिर 119। आप लोग का सही आंसर इसका हो जाएगा 129, ऑप्शन नंबर सी 129 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, विच कंट्री रिसेंटली अवार्डेड द यूएन इन्वायरमेंट अवार्ड फॉर कम्बॉटिंग ए फॉर ट्रांसबाउंड्री इन्वायरमेंट क्राइम। ट्रांसबाउंड्री इन्वायरमेंटल क्राइम के लिए जो आप लोग को यूएन ने अवार्ड किया इन्वायरमेंट अवार्ड, वो किस कंट्री को किया है? ऑप्शन आप लोग के सामने, रशिया, यूएसए, फ्रांस और इंडिया। एंड इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड व्हाट्सएप इंडिया हेड। व्हाट्सएप इंडिया के हेड के जो आप लोग के न्यूली अपॉइंटेड है, व्हाट्सएप ने इंडिया के लिए आप लोग को जो भी फेक न्यूज़ आप लोग के रूमर्स आप लोग के जो फैलते हैं उसके लिए आप लोग को उसको कंट्रोल करने के लिए एक व्हाट्सएप इंडिया के सीईओ को सेट किया है, उसके हेड को सेट किया है। तो ये आप लोग के हेड का नाम क्या है ये पूछा गया। तो आप लोग का ऑप्शन है, अभिजीत कुलनानी, अभिजीत बोस, या फिर नरेंद्र सिंह, या फिर आशीष मेहरा। और आप लोग का सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिजीत बोस। अगला क्वेश्चन आप लोग का, एल आई सी साइंड विद विच ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी फॉर डिजिटल पेमेंट ऑफ प्रीमियम्स। प्रीमियम्स जो होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के, उसको डिजिटली आप लोग के पे करने के लिए एल आई सी ने किस कंपनी के साथ अपना साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है? तो आप लोग का ऑप्शन क्या है, मोबीक्विक, फ्री चार्ज, या फिर पेटीएम, या फिर ईजी पे। तो आप लोग का जो सही आंसर आप लोग का हो जाएगा इसका हो जाएगा आप लोग का पेटीएम। अगला क्वेश्चन आप लोग का, जॉयस मासियो इलेक्टेड एज द एक्टिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और इसका जो हेडक्वार्टर आप लोग का केनिया नैरोबी में है। शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये एक लेडी है, लेडी मेंबर है, जॉयस मैस्यो, जिनको अभी अभी एक एक्टिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना गया है। तो इनको जो ये जो है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन आप लोग के सामने, केनिया, सूडान, या नाइजीरिया, या फिर आप लोग का तंजानिया। तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंजानिया इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अगला क्वेश्चन है, हु वन द मैक्सिकन ऑर्डर ऑफ एस्टेक ईगल। मैक्सिकन और मैक्सिकन का एक बहुत बड़ा एक प्राइज़ है जो एक सम्मानित किया जाता है मैक्सिकन ऑर्डर के नाम से, तो ये एस्टेक ईगल के नाम से फेमस है। तो ये जो ऑर्डर है आप लोग को, ये जो प्राइज़ है किसको मिला हुआ है? तो आप लोग के ऑप्शन है, एसपी गांगुली, नीरज मिश्रा, या फिर रमेश सिंह, या फिर रविंद्र जैन। तो सही आंसर आप लोग का हो जाएगा एसपी गांगुली। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द सयाजी रत्न अवार्ड। सयाजी रत्न अवार्ड किसको मिला है? ऑप्शन आप लोग के सामने, अमिताभ कांत, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, या फिर अक्षय कुमार। और सही आंसर आप लोग का हो जाएगा इसका अमिताभ बच्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग का, संगाई फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? संगाई फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? ये एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, मैं पहले बता देता हूँ आप लोग को, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट ही सारे ऑप्शन हैं, मिजोरम, मणिपुर, असम, या नागालैंड। इसमें त्रिपुरा भी ऑप्शन हो सकता है। तो सही आंसर इसका आप लोग का सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में जो आप लोग का बनाया जाता है संगाई फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन आप लोग का, विच स्टेट एस्टैब्लिश गौ सेवा आयोग फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ काउस। काउस के लिए, काउ के ध्यान में रखते हुए गौ सेवा आयोग अभी अभी स्टार्ट किया गया है, कौन से स्टेट के द्वारा? तो ऑप्शन आप लोग के सामने, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, या छत्तीसगढ़। तो आप लोग का इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन आप लोग का, 50th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन लंग हेल्थ। लंग हेल्थ के लिए एक वर्ल्ड कांग्रेस आप लोग का वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ हुआ है 50th, ये कहाँ हुआ है आप लोग का? तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा इसका हैदराबाद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आप लोग के कल के मतलब 23 नवंबर के आप लोग के सारे क्वेश्चंस जो बन रहे थे।
तो आप लोग को होप करता हूँ आप लोग काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर किए होंगे, क्योंकि आपका प्रिपरेशन पीक लेवल पे चल रहा होगा IBPS क्लर्क मेंस के लिए, कैनरा बैंक पीओ मेंस प्री, एक ही चीज़ है आप लोग का जो एक बंच में एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके लिए आप लोग के लिए सारे क्वेश्चंस काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नवंबर और दिसंबर के क्वेश्चंस और जनवरी मिड तक आप लोग के सारे क्वेश्चंस जो है IBPS क्लर्क मेंस में आने के चांसेस पूरे बनते हैं, और क्लर्क में खासकर जो है वो रिसेंट पूछते हैं। तो इन वीडियोस को आप लोग देखिए और समझिए, जो भी आप लोग को नया कुछ मिलता है तो उसको साइड बाय साइड लिखते रहिए, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका रिस्पॉन्स हमारा जो है इंटरेस्ट बढ़ाता है, आपका जितना अच्छा रिस्पॉन्स होगा उतना हम लोग, रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो नेगेटिव ये इंपॉर्टेंट नहीं, रिस्पॉन्स होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, आपका रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड चैनल को, एंड वीडियो को जितना हो सके शेयर एंड लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।